प्यारे बच्चों नमस्कार। आज फिर हम एक चीज लेकर उपस्थित हुए हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। हमने आपको परावर्तन बताया है, अपवर्तन बताया है, एक क्रांतिपूर्ण बताया है कि पहले वाले वीडियो में हमने बताया है, और इसमें आप डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो उसके हमने लिंक दे रखे हैं, उनको पूरा ध्यान से पढ़ लेना। देखिये क्रांतिपूर्ण कुछ हमने लिखे हैं यहाँ पर, ये एग्जैक्ट नहीं है, किसी बुक में आपको इसमें कम ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि इसे दशमलव किसी ने हटा दिया, किसी ने लिखा हुआ है वो ध्यान रखिएगा। जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है और इसका क्रांति कोण लगभग 48 समथिंग होता है। कांच दो प्रकार के होते हैं, एक क्राउन होता है एक फ्लिंट होता है। क्राउन का अपवर्तनांक कम होता है, फ्लिंट का ज्यादा होता है, ठीक है। तो क्राउन का अपवर्तनांक 1.52 होता है और इसका क्रांति कोण तकरीबन 41 डिग्री होता है, ठीक है। और फ्लिंट का अपवर्तनांक 1.65 होता है, इसका क्रांति कोण लगभग 37 डिग्री होता है। और हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है 2.42 और इसका क्रांति कोण 24 डिग्री लगभग होता है। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। तो पहले तो क्रांति कोण के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं, फिर इसकी कुछ एप्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस पर आधारित कुछ घटनाएं जो नेचर में होती है उनके बारे में बात करेंगे। देखिए क्रांति कोण हमने बताया था आपको कि जैसे मान लिया कि ये आपका सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये आपका विरल माध्यम है। नाम से लग रहा सघन माने घना, विरल माने कम घना। और प्रकाश जब सघन से विरल में आता था, इस प्रकार से प्रकाश किरण गिरी, ये नंबर वन किरण है, तो ये अभिलंब से दूर हट जाती है, इधर आ गई, इसका अपवर्तन हो गया, ठीक है। अब अगर इसका आपतन कोण बढ़ा देते थे तो एक बार ऐसा आया था कि अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो गया था। इस कोण को हमने कहा था, इसको क्रांतिक कोण कहते हैं, देख लीजिएगा उन्होंने समझाया है इसको। और इसमें ये सघन माध्यम के अपवर्तनांक का जो सूत्र बताया गया था वो बताया गया था एन बराबर कॉसिक्सी, सघन माध्यम का विरल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब अगर ये क्रांतिक कोण का मान और ज्यादा हमने कर दिया तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, यानी वो प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। और खास बात यह है कि इसके दौरान उसके तीव्रता में या उसके पावर में प्रकाश में कोई कमी नहीं आती है। जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत माइन्यूट समझिएगा। क्रांतिक कोण से सघन माध्यम में क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण पर अगर प्रकाश गिरेगा तो उसी माध्यम में लौट जाएगा। जरा हीरे को ध्यान से देखिए, देखिए मतलब समझिए, अब देखने को तो नहीं मिलेगा, इधर उधर मिलेगा तो छोटा मिलेगा, हमें बड़ा साइज का हीरा चाहिए, वो तो हमने देखा नहीं कभी, पिक्चरों में देखा है, उसमें विलन वगैरह जो नहीं वो तस्करी करते हैं वो दिखाते हैं, वही हम जानते हैं, ठीक है। समझिए उसका क्रांति कोण 24 डिग्री होता है, यानी हीरे के सरफेस पे अगर ये हीरा है, ठीक है, ये बाहर हवा है, यानी हीरा सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम है। हमने कहा हीरे का क्रांति कोण 24 डिग्री है, मतलब हीरे पे अगर 24 डिग्री पे प्रकाश गिरता है तो 90 डिग्री पे घूम जाएगा और 24 से जरा सा ज्यादा होगा तो उसी माध्यम में लौट आएगा, ठीक है। तो अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं हैं, उन्हें समझ लीजिए। अपवर्तन और क्रांति को सबसे पहले समझिएगा, अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, अपवर्तन फिर वही बताएंगे, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है, से संबंधित कुछ घटनाएं समझिए। कुछ पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एक तो होता है तारों का टिमटिमाना, मैं थ्योरी बता रहा हूं, थ्योरिकल कॉन्सेप्ट है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। आपने छोटे क्लास में एक पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, याद नहीं होगी आपको, याद कर लीजिएगा, हमें थोड़ी बहुत याद है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई, और आगे थोड़ी बहुत याद है, उसको छोड़िए। देखिए तारों का टिमटिमाना, तारे टिमटिमाते क्यों है, ठीक है, उसका कारण ये है कि तारे का मतलब होता है जिसका खुद का प्रकाश होता है। अब तारे का प्रकाश ऊपर से नीचे आता है, पूरे माध्यम से गुजरता हुआ हमारी आंखों पर गिरता है और हमें तारे दिखाई पड़ते हैं। जिस समय वो तारे ऊपर से आ रहे होते हैं उसमें क्या होता है कि चूंकि बीच में हवा है, वायुमंडल है, वायुमंडल में कभी कभी गर्म और ठंडी हवाएं चला करती हैं।
गर्म हवा चलेगी तो वायुमंडल सघन विरल माध्यम बन जाएगा और ठंडी हवा चलेगी तो वायुमंडल सघन माध्यम बन जाएगा। जब विरल माध्यम बन जाएगा तो प्रकाश अविलंब से दूर हट गया। अब दूर हट गया, हमारी आंख पे नहीं पहुंचा। जब वहां पर थोड़ी ठंडी हवा चली, प्रकाश सघन बन गया तो अविलंब की ओर झुक गया और हमारी आंख पे प्रकाश गिरा। तो कभी प्रकाश गिरा और कभी प्रकाश नहीं गिरा। इसी वजह से कभी वो तारा हमको दिखाई पड़ा, कभी हमको नहीं दिखाई पड़ा। इसीलिए हम कहते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं। हमने कहा सूर्योदय से एक दो मिनट पहले और सूर्यास्त के एक दो मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई पड़ता है, यानी सूर्योदय के पहले दिखाई पड़ जाता है। उसका कारण भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्यों? देखिए, ये होता है क्षितिज। आपने नाम सुना होगा क्षितिज, इसको कहते हैं क्षितिज, क्षितिज नहीं, क्षितिज। क्षितिज वो बिंदु होता है, वो स्थान होता है जहां पर आसमान और पृथ्वी मिलते हुए प्रतीत होते हैं। अगर छत पे आप खड़े हो जाओ, बहुत दूर देखोगे तो लगेगा कि पृथ्वी और आसमान मिले जा रहे, वो क्षितिज होता है। और वहीं पर सूर्योदय होता है, तो ऐसे सूर्य गया और ऐसे डूब गया। ठीक है, देखिए होता क्या है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय पृथ्वी के नजदीक जो हवा होती है वो सघन होती है, क्योंकि हवा ज्यादा होती है, वह सिंपल सी बात है। और जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाओगे वो विरल होती जाएगी। अब देखिए, ये क्षितिज है, यहां कहीं पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है और यहां पर हम खड़े हुए हैं, हम प्रेक्षक हैं। हम कौन हैं? प्रेक्षक हैं, हम सूर्य को देख रहे हैं। यहां पर सूर्य है क्षितिज के नीचे, यानी यह सूर्योदय के पहले का सूर्य है या सूर्यास्त के बाद का सूर्य है, ठीक है। यानी इसको आप कहें कि सूर्य उदय के पहले, यानी यह सूर्य की वास्तविक स्थिति, ये जो स्थिति है वो सूर्य की वास्तविक स्थिति है, वास्तविक स्थिति है। अब इसे हमें देखना है, हमको तो दिखेगा नहीं, लेकिन होता क्या है, क्योंकि यहां पर जैसे नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमने क्या कहा, माध्यम कैसा होगा, विरल। प्रकाश तो सूर्य से निकलना है, सूर्य से निकलने वाला प्रकाश सघन से विरल की तरफ जाएगा तो अविलंब से दूर हट जाएगा। अब अगर हमें मान लें कि यहां पर ऐसे आपके ये तल है, ये सघन माध्यम है, फिर बाद में विरल माध्यम हो गया, यहां से प्रकाश निकला, अब यहां पे गिरा, ये अविलंब है, अविलंब से दूर हट गया, फिर दूर हट गया, होते होते हमको ऐसे प्रकाश हमारी आंख पे गिरा, यहां से ऐसे गिरा। हमने बताया है कि हम उल्टा नहीं देख सकते, हम ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं देख सकते, तो हमको क्या लगता है, ये सूर्य हमको यहां पर ऐसे कहीं, जब इसकी हम इस प्रकार से इसकी एक टेंजेंट रेखा खींचते हैं ऐसे, यहां पर हमको सूर्य यहां कहीं दिखाई पड़ती है, इस प्रकार से हमको सूर्य दिखाई पड़ता है, ठीक है, क्षितिज के ऊपर। तो ये सूर्योदय के पहले की स्थिति भी यही होती है और सूर्यास्त के बाद की स्थिति होती है, इसीलिए सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भी हमको सूर्य दिखाई पड़ता है। तो ये दूसरी घटना है जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित है। पहली बारी अपवर्तन से थी, तारों का टिमटिमाना अपवर्तन से था। तो दूसरा हमने क्या बताया कि सूर्योदय के एक दो मिनट पहले और सूर्यास्त के एक दो मिनट बाद तक हमको सूर्य दिखाई पड़ता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हीरे का चमकना। अब जरा यहां पे पॉइंट में आइए। अभी हमने कहा कि हीरे का जो क्रांतिक कोण होता है वो 24 डिग्री होता है। हीरा अगर आपने देखा हो, बड़ा हीरा पिक्चरों में देखा होगा, हाँ हमने तो पिक्चरों में ही देखा है, हीरा ऐसे कहीं होता है, एग्जैक्ट तो डायग्राम नहीं बना सकते, हीरा ऐसे कहीं होता है, ऐसे, ऐसे हीरा तराशा जाता है, ऐसे हीरा तराशा जाता है, पिक्चरों में ऐसे दिखाई पड़ता है, देखो ध्यान से। अब बाहर से इसमें लाइट गिरी, ठीक है, लाइट बाहर से गिरी और माने या इस सरफेस पे गिरी, यहां पे गिरी, इस सरफेस पे, ये है अभिलंब। अब अल्टीमेटली चूंकि ये सरफेस ऐसा बनाया जाता, ऐसा बनाया जाता है, हीरा जब खदान से निकलता है तो ऐसा होता नहीं है, उसे तराश करके ऐसा बनाया जाता है कि लाइट जब इस पे गिरे तो ये जो इसका आपतन कोण है थीटा, वो अपने आप 24 डिग्री से बड़ा हो जाएगा। अब 24 डिग्री से बड़ा होने का मतलब क्या होता है, अभी हमने बताया 24 डिग्री होता है क्रांति कोण, यानी कि सघन से विरल में अगर लाइट आ रही है तो अंदर सघन है, बाहर विरल है, अगर 24 से कम जाएगा तो
बाहर निकल जाएगा, लेकिन 24 से ज्यादा होगा तो प्रकाश उसी माध्यम में ऐसे गिरता है। अब यहां गिरा, यहां भी जो अभिलंब जो से जो कोण बनेगा वो क्रांतिक कोण से अधिक होगा, प्रकाश इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, इधर, यानी कुल मिलाकर के उसी में प्रकाश जो है वो घुमा करेगा। अब प्रकाश का कांच के अंदर यानी हीरे के अंदर भर जाना वही शाइनिंग है भाई। आप कभी मान लिया पार्टी वार्टी गए हो और कोई गए बड़ी साइन मार रहे हो, बड़ी साइन मार रही हो, मतलब क्या साइन मारना, मतलब क्या होता है? जो प्रकाश हमारे ऊपर गिरा वो रिफ्लेक्ट हो गया। या अगर कहीं पर आपने लाइट भर दिया, कोई चीज है बिल्कुल लाइट उसमें भरी हुई है तो चमकदार दिखाई पड़ेगी। तो जो लाइट इसके अंदर गई है वो इसके अंदर भरी रहती है, इसलिए हीरा हमें चमकता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन का कारण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से कभी आपने देखा होगा तो हीरे का चमकना, दूसरी घटना हो गई। तीसरी घटना ये है हीरे का चमकना। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि कांच अगर थोड़ा सा क्रैक हो जाए, कांच उसमें दरार पड़ जाए, तो क्रैकिंग जो वहां पर होती है, जो दरार होती है, वो अगर कुछ एंगल से ऐसे घुमा के देखो तो कहीं चमकती है। ठीक है, तो कांच पे बड़ी दरार क्यों चमकती है? देखो ध्यान से, मान लिया ये इस प्रकार से कांच पैसे बनाया जाए, ये कांच है मान लिया। ठीक है, अब यहां पर कोई दरार पड़ गई। अब दरार पड़ने का मतलब होता है ये दरार पड़ी है तो इसके अंदर क्या हो गया, एयर, एयर हो गई, यानी कि रेल माध्यम। लाइट यहां गिरी, लाइट कांच से उस दरार के पास आई, तो कांच से आई यानी सघन से आई और दरार में जाएगी, दरार में क्या है, हवा, हवा कैसी है, विरल माध्यम। तो अगर किसी विशेष कोण पे गिरे तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, वो वापस लौट के उसी माध्यम चली जाती है। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का मतलब होता है उस चीज का चमकना। अब हम कभी पार्टी में जाते हैं तो मार पाउडर और यूवी क्रीम सब लगा लेते हैं, क्यों, लाइट गिरे और हमारे चेहरे से परावर्तित हो जाए तो हम दूर से जो हमको देखेगा उसको लगेगा बहुत चमक रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, इसलिए हीरे ये जो कांच की दरार होती है वो चमकती है। हमेशा नहीं होगी, किसी विशेष एंगल से ऐसे देखोगे तब चमकेगी। तो क्या कारण होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, अगला कंसेप्ट है इसका रेगिस्तान की मरीचिका। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगिस्तान की मरीचिका और ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। इन पॉइंट्स को बना लीजिएगा, हम हेडिंग नहीं डाल रहे हैं तब पूरा, क्योंकि थ्योरी है उसे लिखना बोर्ड पे संभव नहीं है। रेगिस्तान की मरीचिका, रेगिस्तान की मरीचिका, इसको इंग्लिश में मिराज कहते हैं, मिराज। मरीच, मरीच वर्ड आपने सुना होगा, वैसे उस सबसे कोई मतलब यहां है नहीं, साइंस का मामला है, लेकिन मरीच वर्ड आपने सुना होगा। मरीच जो है वो रामायण में दिखाया गया होगा कि मरीच जो था वो था नहीं, जो दिखता था वो था नहीं, जो था वो दिखता नहीं था, वो यहां पर भी होता है। रेगिस्तान में क्या होता है कि दूर पानी होने का भ्रम होता है। अब भ्रम कैसे पानी होने का होगा, सिंपल सी बात है, कोई चीज का प्रतिबिंब आपको अगर नीचे दिखाई पड़ेगा तो ये पानी की वजह से होता है, तो उसे हम रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। कभी आपने देखा हो, अगर कभी आपने देखा हो, बहुत गर्मी के सीजन में आप रोड पे जा रहे हो तो रोड बहुत दूर चमकती हुई दिखाई पड़ती है, बहुत शाइन मारती है, क्यों, वहां पर भी कुछ ऐसे होता है, वहां से लाइट पूरी रिफ्लेक्ट हो जाती है, पूरी परावर्तित हो जाती है। उसका कारण क्या है, देखिए रेगिस्तान में पहुंचते हैं, रेगिस्तान में रेत होता है, रेत बहुत गर्म होता है, यानी रेत गर्म होके ये विरल माध्यम हो जाता है। यानी अगर मैं ये रेत मान लूं, ऐसे डायग्राम बहुत बढ़िया नहीं बन पाएगा, ये रेत मान लेते हैं, इसको रेत मान लें, ये जमीन है, तो रेत से लगी हुई हवा बहुत गर्म होती है, तो बहुत गर्म होने की वजह से वो कैसा माध्यम बनाएगी, वो विरल माध्यम बनाएगी। ठीक है, तो नीचे की हवा विरल होती है और ऊपर की सघन होती जाती है, यानी कि ये जो हवा की लेयर है वो दूर दूर है, कैसे है वो, ये विरल है, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसकी सघनता बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसकी सघनता बढ़ती जाएगी, यानी नीचे विरल माध्यम है, ऊपर सघन माध्यम है। अब मान लीजिए यहां पर कोई दूर पेड़ है, अगर मान ले यहां पर कोई दूर पेड़ है और इसको कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, अब व्यक्ति हम कैसे बनाए, तो व्यक्ति हम तो नहीं बना पाएंगे, फिलहाल हम व्यक्ति ऐसे बना देते हैं, कुछ ऐसा होगा, पता नहीं कैसा होगा, टोपी भी लगा दो इसको, ये इसको देख रहा है, वैसा होता नहीं है लेकिन ये नाक है इसकी थोड़ा और लंबी कर दो, ये इसको देख रहा है, इस पेड़ को कैसे देखेगा,
आप कहेंगे अरे अजीब व्यक्ति है भाई, आंख से देखेगा। हाँ मुझे मालूम आंख से देखता है। देखिए ये इसको कब देखेगा, जब इससे कोई लाइट निकलेगी और उसकी आंख पे पड़ेगी। तो आप जानते हैं जब इससे प्रकाश निकल रहा होगा इस पेड़ से, तो चारों दिशाओं में चल रहा होगा, ठीक है। तो एक तो लाइट डायरेक्ट इसके ऊपर गिरी होगी, ठीक, इसको दिखाई पड़ेगी। एक सेकेंड, डायरेक्ट इसको दिखाई पड़ी होगी, ठीक है, ये इसको दिखाई पड़ा पेड़। एक लाइट रे क्या हो रही है कि इससे निकल के इस रेत की तरफ जा रही है। देखो ध्यान से, जैसे ही ये ऐसे प्रकाश गिरा रेत की तरफ गिरा, यहां पर ये अविलंब है, ये सघन है, ये विरल है, तो क्या होगा, अविलंब से दूर की ओर जाएगा। तो ये थोड़ा अविलंब से दूर हट गया, यहां गिरा और दूर हट गया, होते होते ऐसी स्थिति एक आई कि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। अब इस प्रकाश को क्या ऐसे आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो कैसे देखेंगे? आपको लगेगा ये जब पीछे आप बढ़ाएंगे तो आपको लगेगा इस ये पेड़ आपको ऐसे कहीं दिखाई पड़ेगा, ऐसे लाइट भूमि और आपको यहां पेड़ कहीं दिखाई पड़ेगा। अब पेड़ यहां दिखने का मतलब क्या होता है? पानी रहा होगा, तो इसीलिए रेगिस्तान में दूर पानी होने का भ्रम होता है, उसको कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। एक होता है ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, इसको हम लूमिंग कहते हैं, LOOMING। देखो ऐसा है, मैं हिंदी में जरूर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन ये आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश जो कंटेंट उसके हैं वो इंग्लिश में जरूर ध्यान से देख लीजिए। कारण यह है कि बड़े क्लास में आप जाओगे ग्रेजुएशन लेवल में, तो वहां टीचर आपको हिंदी में नहीं बताएगा, वो कंटेंट तो वो इंग्लिश में ही बोलेगा, ठीक है। तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है, देखिए मैं व्यक्ति को ऐसे ही रखा रहता हूं, इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, हम इसको ठंडा प्रदेश मान लेते हैं, डायग्राम का है रख पर। देखो ठंडे प्रदेश में, इस रख पर दीजिए, ठंडे प्रदेश में क्या होता है कि समुद्र में बहुत दूर कोई अगर नाव आ रही है, कोई शिप आ रहा है, तो उल्टा लटका हुआ नजर आता है, ठीक है। क्यों? देखिए होता क्या है कि ये आपका समुद्र है, ठीक है, यहां पर कोई नाव है और यहां पर कोई व्यक्ति है, अभी जैसा व्यक्ति था वही वाला है, माने वो देख रहा है ऐसे, ऐसे व्यक्ति कोई है, ऐसे कोई व्यक्ति है, अब ठीक है वो अपने आप बना लो, हम बना नहीं पाते, ऐसे ऐसे ना बनाओ, थोड़ा सा व्यक्ति गुस्सा हो जाएगा। ये बना दीजिए एक व्यक्ति है कि मैं उसकी आंख बनाए दे रहा हूं, ऐसे ही कोई व्यक्ति देख रहा है, ऐसे कोई व्यक्ति है, ठीक अब चलेगा, ये देख रहा है, ये इसकी आंख हमने बना दी है। अब देखिए ध्यान से, समुद्र से लगा हुआ जो पानी होता है वो ठंडा होता है, ठंडा होने की वजह से वो कैसा माध्यम होगा, वो सघन माध्यम होगा। जैसे जैसे समुद्र के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, ठंडक कम होती जाएगी, तो विरल बन जाएगा। तो कहने का मतलब जो समुद्र से लगी हुई हवा है वो सघन है और ऊपर विरल है, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे की जो हवा है वो सघन है, घनी है, ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे सघनता कम होती जाएगी। अब इसको देखें कैसे, एक तो डायरेक्ट आप पे ये लाइट पड़ रही हो, दिखाई पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। जो लाइट इससे चली और ऐसे जा रही है, यानी सघन से विरल की तरफ जा रही है, तो अविलंब से दूर हट जाएगी। भाई मान लिया ये यहां से लाइट गिरी, ऐसे गिरी, ये अविलंब था, इससे दूर हट गई, यहां गिरी, इससे दूर हट गई, एक ऐसी स्थिति आती है कि इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। ये ऐसी स्थिति आती है, हो सकता ना भी बने, क्योंकि विशेष परिस्थितियों पर ऐसा होता है। तो आप वही बात, ऐसे हमने कहा टेढ़ा नहीं देख सकते, तो जब आप इसको ऐसे देखते हो तो यही आपको जो शिप है वो ऐसे उल्टी भी नजर आती है, यहां दिखाई पड़ती है। तो इसको हम कहते हैं ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, या इसको लूमिंग कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका एक आता है प्रकाशिक तंतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। प्रकाशिक तंतु क्या होता है, आज के युग में बहुत इस्तेमाल होता है प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, समझिएगा। हमें जब हमारा जो सूचना दूरसंचार का की क्रांति हुई, जब टेलीफोन का आविष्कार हुआ, हमने अपने मैसेजेस को भेजना है,
टेलीफोनिक जो हमारे डिस्कशन को भेजना है, तो कैसे हम भेजते हैं? हम पहले क्या करते थे, जब बोलते थे टेलीफोन पे हेलो, तो हम क्या करते थे, अपनी जो हमारी साउंड है उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते थे, बिजली में कन्वर्ट करते थे, और इलेक्ट्रिक जो पल्सेस होती है उसके रूप में किसी तार के माध्यम से भेजते थे। अब चूंकि तार में प्रतिरोध होता है और उस प्रतिरोध की वजह से 10-20-50 किलोमीटर जाने पर वो जो हमारा जो धारा होती थी उसकी पावर कम हो जाती थी, तो हम फिर वहां बूस्टर लगाते थे, उसकी पावर को बढ़ाते थे, तब जाकर के हमको अपनी जो संदेश थे वो भेजने होते थे, बहुत दूर हम भेजते थे। अब रास्ते में क्या होता था, जो चोर होते थे और टप्पा लगाए बैठे रहते थे, वो खोल ले जाते थे अपना, सब भेज देते थे, तो पता चला कि टेलीफोन लाइन ठप हो गई। तो हम अपने मैसेजेस को कैसे भेजें, तो हमारे पास एक दिमाग आया, हमने अपने जो साउंड है, हमने जो हेलो बोला उसको इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर दिया, और लाइट को हमने भेजा, एक ऑप्टिकल फाइबर बनाया, एक कांच का हमने फाइबर बनाया, कांच हमने लिया और कांच की बहुत पतली, मतलब जैसे बालों की तरह पतली, इसके बाल है वो जानते होंगे, बालों की तरह पतली एक हमने नली बनाई, ऐसे इस प्रकार से हमने एक बहुत पतली नली बनाई, ठीक है, और इसके अंदर लाइट हमने डाल दी। अब जो हमारे जो कम्युनिकेशन सिग्नल है, जो हम बोल रहे हैं, जो हमारा सिग्नल है उसको हमने लाइट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और इसके अंदर डाल दिया। और अब चूंकि देखिए बहुत पतली है पाइप है, अब बहुत पतली है तो लाइट गिरेगी तो बिल्कुल सीधे गिरेगी, और पतली कर दीजिए इसको, बहुत पतली पाइप करोगे तो बिल्कुल सीधे जाएगी, यानी कि 180 डिग्री पहुंच जा रही है, तो हल्का सा एंगल कम हो सकता है, तो इतना पतला होता है कि लाइट उसी माध्यम में ये वापस लौट जाती है, इसके अंदर ही रहती है लाइट, ठीक है, और ये लगातार आगे बढ़ती हुई जा रही है। अब लाइट की स्पीड आप जानते हो 3×10⁸, और लाइट को चलने के लिए तार तो चाहिए नहीं, ये तो प्लास्टिक का फाइबर है, बिल्कुल फाइबर, बहुत पतला सा तार है, इससे लाइट हम भेजते हैं। अब एक तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, जहां पर हमको साउंड वहां चाहिए वहां पर इस लाइट को हम फिर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, उसको फिर साउंड में कन्वर्ट करते हैं। अब चोर इसको खोदे जाकर के, प्लास्टिक के पाइप है, इसमें हमने क्या किया, इसके ऊपर हमने इससे, अब देखिए इसको क्या करना है, इसके बाहर लाइट ना निकल जाए, तो बाहर क्या करना है, विरल माध्यम, इसके ऊपर एक और कांच जिसका अपवर्तनांक इससे कम होना चाहिए, उसकी लेप लगा दिया हमने, ऐसे लेप कर दिया इसके ऊपर। अब क्या हुआ, ये सघन, ये विरल, बाहर विरल है, अब लाइट सघन से विरल में जा सकती है, बाहर जा सकती है, क्योंकि ये भी कांच है और इसके ऊपर जो लिपटा हुआ वो भी कांच है, लेकिन चूंकि लाइट जो गिरी है वो क्रांति कोण से बहुत अधिक कोण पे गिरी है, तो बाहर तो जा नहीं सकती, वो इसी के अंदर घूमती रहती है, इसी के अंदर ऐसे घूमती रहती है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की वजह से। तो इस ये जो ऊपर से हमने कांच का लेप लगाया है इसको क्लैडिंग कहा जाता है, क्या कहते हैं इसको, इसको क्लैडिंग कहते हैं, लेपन कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक फाइबर लिया, दो लिया, 10 लिया, 50 लिया, 100 लिया, और बहुत सारे फाइबर लिया और उसको ऊपर प्लास्टिक चढ़ा दिया और एक फाइबर हो गया पूरा तैयार। अब उसमें हम 50, 100, 200 सिग्नल एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। अब जो आप 4G, 5G यूज करते हो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, स्पेस में चलती है, और जहां जरूरत पड़ती है वहां पर हम इस फाइबर के माध्यम से इसको भेज देते हैं। एक तो इसका एक और आसान सा तरीका ये है, इसका यूज है, क्योंकि फाइबर बहुत बिल्कुल बहुत लचीला होता है, तो हम इस फाइबर को चाहें तो ऐसे मोड़ भी सकते हैं, यानी लाइट यहां एंट्री करा दें और वापस आकर के यहीं पर निकल जाएगी, लाइट की दिशा भी हम बदल सकते हैं। तो दूसरा तरीका इसका ऑप्टिकल फाइबर के रूप में हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। कुछ बातें और कर लेते हैं, एक दो, रेगिस्तान की मरीचिका, ठंडे प्रदेशों की मरीचिका, कांच का चमकना, क्रांतिक कोण ये हो गया, ठीक है। एक वर्ड आता है कि जल में स्थित प्रकाश स्रोत का प्रकाश क्षेत्र, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी धमक देता है बोर्ड में, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व, जल में स्थित, जल में स्थित प्रकाश स्रोत प्रकाश क्षेत्र मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है, जरा समझने की कोशिश करिएगा। देखो ये जल है, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है आपको कि जो अगर कोई सिक्का है और पानी में डाल दें तो थोड़ा नीचे से ऊपर उठा हुआ नजर आता है, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट यहां पर भी है। देखो ये जल है, ये जल का लेवल है, इसके अंदर ये जल भरा हुआ है, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने एक कोई प्रकाश स्रोत रखा, मछली मान लेते हैं, ठीक है, यहां से लाइट निकलेगी, जो सीधे लाइट निकलेगी वो तो सीधे चली जाएगी ऐसे, और ये एच गहराई पे हमको ये स्रोत दिखाई पड़ेगा, या यूं कहिए यहां पर मछली दिखाई पड़ेगी, ठीक है। जो लाइट यहां गिरेगी वो अभिलंब से दूर हट जाएगी, ठीक है, लेकिन अगर लाइट क्रांतिक कोण पे गिरी, ये अभिलंब और क्रांतिक कोण पे गिरी, तो वो 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और उससे ज्यादा करोगे तो वो, अगर यहां गिराओगे प्रकाश को तो लाइट उसी माध्यम में लौट आएगी, उसी माध्यम में लौटने का मतलब ये हुआ जाकर के कि वो लाइट यहां से बाहर नहीं निकल सकती, यानी यहां तक तो वो, यहां तक तो बाहर निकल रही है, ऐसे यहां पहुंचने पर वो यहां पहुंच गई, इससे ज्यादा करोगे तो लाइट उसी माध्यम में लौट आएगी, नहीं जानते, तो यहां तक का एरिया तो आपको दिखाई पड़ेगा, इसके बाद एरिया आपको यहां से अगर आप देखोगे तो आपको ये जो बल्ब है वो दिखाई नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात, वही मछली के लिए है कि मछली को यहां तक तो दिखाई पड़ेगा, इसके बाद ये दिखाई नहीं पड़ेगा, वही चीज यहां भी इधर होगी कि अगर क्रांतिक कोण पे ऐसे सी प्याल आप डालते हैं तो अब जरा देखिएगा, तालाब के अंदर मछली है ऐसे देख रही है, क्रांतिक कोण इधर इधर चारों तरफ कहीं भी हो सकता है, तो पूरा एक कोण बन जाएगा, ठीक, शंकुआकार बन जाएगा, तो इतना ये देख सकता है, मछली देख सकती है, ये उसका प्रेक्षित विश्व है, ठीक है, और ये है त्रिज्या आर, ये है हाइट एच, ठीक है, एच मुझे मालूम है मछली कितनी गहराई पे है, क्रांतिक कोण मालूम है, तो ये भी सी आपको मालूम है, तो इस त्रिभुज में इसका नाम दे दो ए बी ओ पी, त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में अगर साइन सी लगा दे तो आएगा लंब बटे कर्ण, ये कर्ण है, कर्ण क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो साइन सी हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा आर और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये जबरदस्ती बता रहे हैं, जनरली ये नहीं आता है, कभी कभी ये पूछा जाता है, इसके थोड़ा टेक्निकल हम कह सकते हैं ये साइन सी हो गया। अच्छा इसके बाद आप जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर ये सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, प्रकाश क्रांतिक कोण पे गिरता है, तो सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वो कॉसेक सी होता है, बताया गया आपको, यानी कि 1/n बराबर साइन सी हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, और साइन सी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 1/n इज इक्वल टू r/r² प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट, हम निकालना क्या चाहते हैं, हमें त्रिज्या निकालना चाहते हैं, ठीक, अगर आप कोई मछली यहां बैठी हुई है तो यहां दिखेगी ऐसे देख सकती है, आर तक देख सकती है, इससे ज्यादा नहीं देख सकती, क्योंकि तो इसके बाद जो लाइट होगी वो उस पानी के अंदर वापस लौट के आ जाएगी, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो ये हो जाएगा 1/n² इज इक्वल टू r² / r² प्लस एच स्क्वायर, तिरछा गुणा कर दो, ये n है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है, तो ये हो जाएगा r² + h² इज इक्वल टू r² (n²), इस r को उधर ले जाओ, h² इज इक्वल टू r² कॉमन n²-1, तो r की वैल्यू आएगी h/√n²-1, इतनी त्रिज्या अगर कोई मछली जल के सतह से h गहराई नीचे तक है और उस जल का अपवर्तनांक n है तो h/√r(n²-1) की त्रिज्या के शंक्वाकार क्षेत्र को देख सकती है, समझ में आ गई बात, और अगर मैं इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालूं, यानी जितना वो एरिया देख रही है, ये वाला भाग जितना वो देख रही है, ठीक, यानी प्रेक्षित विश्व का क्षेत्रफल, मछली द्वारा प्रेक्षित विश्व का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो a बराबर पाई r² मान दो डाल करके, तो ये जाएगा पाई h² /
एन स्क्वायर माइनस वन, इतना एरिया को देख सकती है। तो ये कुछ मेन मेन कॉन्सेप्ट है जो अपवर्तन और परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बेस्ड है। कुछ और चीजें हैं, उन्हें कोई खास नहीं, हम पूरा लगभग बता दिया हमने। तो इस प्रकार से अपवर्तन खत्म हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम लेंस के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू।